सब लोग, आई होप सब लोग ठीक ही रहेंगे। तो हमने फर्स्ट पार्ट में देखा है कि हम क्या देख रहे हैं। अब हम देख रहे हैं कि हम लारावेल सोशल नेट यूज़ करके हम लॉगिन कैसे कर सकते हैं, लाइक फेसबुक से लॉगिन कैसे कर सकते हैं, तो गूगल से लॉगिन कैसे कर सकते हो, तो हम देख रहे हैं। ओके, तो फर्स्ट पार्ट में मैंने बोला कि कैसे आएगा आपका डिज़ाइन वगैरह, वो सब कुछ बोला है। तो मैं यहाँ पे लारावेल का जो इनबिल्ट रहता है लॉगिन फॉर्म, वही मैं यूज़ करने वाली। ओके, तो उसके लिए मैं क्या करूँगी, पहले मैं लारावेल का प्रोजेक्ट क्रिएट करूँगी। ओके, तो मैं इसके लिए लारावेल डॉक्यूमेंटेशन में मैं आई हूँ, यहाँ पे मैं कॉपी करके मैं यहाँ पे क्या करूँगी, इसको पेस्ट करूँगी। और मैं यहाँ पे नाम चेंज करना चाहूँगी, क्योंकि मुझे नाम नहीं चाहिए एग्जाम्पल एंड ऑल। तो मैं यहाँ पे सोशल लाइट, मुझे अंडरस्टैंड हो जाएगा इजी। ओके, तो सोशल लाइट करके मैंने यूज़ किया है, तो मैं इसको इंस्टॉल कर रही हूँ। ये थोड़ा टाइम लेगा ओके इंस्टॉल होने के लिए, क्योंकि टाइम तो लेता है ये लारावेल से, ये तो लेने ही वाला ना। तब तक आप क्या करो, आप चाय वगैरह पी के आओ, आके बैठो। ओके, तो मैं क्या करूँगी, तब तक इसको पॉज करूँगी और आप भी चाय पी के। ओके, तो गाइज आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारे इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो। ओके, तो मैं अब क्या करूँगी, उसी फोल्डर में जाऊँगी, सीडी सूट। ओके, तो हमारा इंस्टॉलेशन अभी पूरा हुआ है, तो मैं इसको अभी क्या करूँगी, मैं यहाँ पे जाके सीडी सोशल लाइट में जाके उसको रन करके देखेंगे। ओके, पहले PHP और तो यहाँ पे हम इसको रन कर रहे हैं, तो यहाँ पे हमको URL मिल गया, तो ये URL हम यहाँ पे डालेंगे और इसको रन करके देखेंगे। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे रन हुआ, तो मुझे लोकल उस पर रन करना है। तो मैं क्या करूँगी कि मैं यहाँ पे जाऊँगी, यहाँ पे मेरा सोशल लाइट है, तो मैं इसको बनाऊँगी इंडेक्स, फाइल का नाम चेंज करूँगी। ओके, इसको इंडेक्स कर रही हूँ मैं, और यहाँ पे पब्लिक में जाके htdocs को कॉपी करके इसको मैं यहाँ पे पेस्ट करूँगी। ओके, ओके, तो हो गया पेस्ट। तो इसको मैं समझो लोकल होस्ट में भी रन कर दूँ और रन हो जाएगा मेरा फाइल। ओके, तो लोकल होस्ट फॉरवर्ड स्लैश सोशल लाइट, अरे कुछ तो रॉन्ग हुआ, सोशल लाइट का स्पेलिंग सोशल लाइट। ओके, लोकल होस्ट फॉरवर्ड स्लैश सोशल लाइट। ओके, तो आप देख सकते हैं कि हमारा फैन भी सक्सेसफुली रन हुआ है। ओके, तो नेक्स्ट अब हम कहाँ से फॉलो करेंगे, तो मैंने यहाँ पे स्टेप्स लिखे, तो मैं आपको दिखाऊंगी, तो ये स्टेप्स हम फॉलो करेंगे। ओके, तो हमको ऑथेंटिकेशन इंस्टॉल करना है, तो उसके लिए मैं पहले ये लूँगी, और पहले हम क्या करेंगे, इससे पहले हम इसको ओपन करेंगे विजुअल स्टूडियो में, क्योंकि वहाँ से डायरेक्टली हम टर्मिनल में जाके रन किए तो ईजी हो जाएगा बहुत, रहे यहाँ पे आके इसे करने से अच्छा। तो मैं यहाँ पे ओपन करके ले रही हूँ। ओके, तो ये थोड़ा सा टाइम ले रहा है, तो ओपन हो गया हमारा। अब मैं जाऊंगी टर्मिनल में। ओके ओके, न्यू टर्मिनल, तो यहाँ पे हमारा टर्मिनल मिल जाएगा, थोड़ा वेट करेंगे टर्मिनल आने तक। तो ये ना बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, लॉगिन, गूगल से लॉगिन, फेसबुक से लॉगिन, कुछ नया सीखने को मिलने वाला है आपको भी। ओके, और मुझे भी अच्छा लग रहा है आपको बोलने के लिए। ओके, तो और एक बात, आप नए हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, क्योंकि लास्ट एंड तक आप भूल जाते हो ना, इसलिए अभी ही लाइक करो और अभी ही सब्सक्राइब करो। ओके, तो यहाँ पे आ गए, तो मैं क्या करूँगी ना, वो कॉपी के इसको मैंने यहाँ पे पेस्ट करूँगी, उसको इंस्टॉल करूँगी। ओके, तो अभी क्या हो रहा है, इंस्टॉल हो रहा है, गुड। ओके, तो यहाँ पे जो हो रहा है हमारा प्रोसेस, तो नेक्स्ट प्रोसेस हम क्या करेंगे, तब तक नेक्स्ट प्रोसेस हमको बूटस्ट्रैप होती है, क्योंकि हम UI भी ले रहे हैं, तो उसको भी हम इंस्टॉल करेंगे यहाँ पे। तो ये थोड़ा टाइम ले रहा है, तो मैं क्या करूँ, पॉज करूँ, तो ओके मैं तो पॉज करती हूँ, बाद में आएंगे यहाँ। ओके, तो हमारा इंस्टॉल होगा, तो नेक्स्ट स्टेप हम बूटस्ट्रैप और उसको इंस्टॉल करेंगे। ओके, तो ये भी हो गया, इसको ज़्यादा टाइम नहीं लिया इसने। ओके, तो NPM इंस्टॉल करेंगे अभी। ओके, तो नेक्स्ट क्या है हमारा, NPM रन डे। ओके, तो इसको भी कोई कॉपी करके लेती हूँ, तो यहाँ पे थोड़ा टाइम ले रहे हो कि NPM इंस्टॉल होने के लिए, तो वेट करेंगे। ओके, तो मैंने ये सारे स्टेप इंस्टॉल के चारों तक हुए, क्योंकि टाइम से होने के लिए मैंने पॉज करके उसको इंस्टॉल किया, फिर से मैं यहाँ पे आई। ओके, तो जब हम इंस्टॉल करते हैं तब हमको ऑथ मिलता है,
और लेआउट्स मिलते हैं। ओके, तो auth में हमारा क्या लॉगिन फाइल रहता है, रजिस्टर रहता है, वेरीफाई रहता है। ओके, तो पासवर्ड में पासवर्ड के फाइल्स रहते हैं, और यहाँ पे ऐप हमारा मेन ऐप डॉट बिल्ड फाइल रहता है। ओके, तो अब हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे हमने इसको रन किया, आप नहीं देख सकते यहाँ पे तो रन हुआ है हमारा। ओके, तो अब हम लॉगिन में जाएंगे, लॉगिन में चेक करेंगे तो आप देख सकते हैं कि हमारा लॉगिन फॉर्म है। तो मैं रजिस्टर में जाऊँगी तो रजिस्टर फॉर्म है, यहाँ पे फॉर्म दिख रहा है, लेकिन आप देख सकते हैं कि वो वहाँ पे बराबर ही नहीं, बूटस्ट्रैप यहाँ पे बराबर नहीं लगा। ओके, तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ता है, सम टाइम आता है, सम टाइम नहीं आता है। ओके, तो यहाँ पे मैंने दो फाइल्स दिए हैं, ये दो फाइल्स हमको कॉपी करने हैं, बूटस्ट्रैप का है और स्क्रिप्ट है। और यहाँ पे जाके हमको जाना है यहाँ पे ब्लेंडर में, और यहाँ पे ऐप डॉट और जेएस है ना, ये ऐप डॉट सी एस एस है। ओके, इसके नीचे जाके हमको पेस्ट करना है लास्ट को। ओके, तो यहाँ पे मैंने पेस्ट किया इसको, तो अब हम देखेंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पे अब चेंज हुआ होता है। तो मैं रन करूँगी इसको तो आप देख सकते हैं कि हमारा चेंज हुआ, लॉग इन में आऊँ तो लॉग इन दिखेगा, रजिस्टर में जाएंगे तो रजिस्टर फॉर्म दिखेगा। ओके, तो आप देख सकते हैं कि हमने सक्सेसफुली फॉर्म क्रिएट किया है। मैंने आपको लास्ट वीडियो में बोला था कि हम फॉर्म क्रिएट करेंगे, तो ये हमारा हुआ है। अब हम मैं यहाँ पे क्या करूँगी कि हमारा जो लॉग इन है ना वो उतना डालूंगी, और नेक्स्ट उसका जो रहेगा वो नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे। ओके, तो मैं इसको कॉपी कर रही हूँ अभी के लिए। ओके, तो इसको कॉपी करके अब हम जाएंगे यहाँ पे, कहाँ पे जाना है मुझे, तो यहाँ पे जाके आपको लॉगिन में जाना है। लॉगिन में जाके यहाँ पे आप देखो देखते हैं @CSRF, तो यहाँ पे जाके आपको नीचे इसको कॉपी करना है। ओके, कहाँ नीचे कॉपी करना है, फॉर्मेट डॉक्यूमेंट तो नहीं आ रहा है। ओके, तो मैं इसको ऐसे चले जाऊँ, और अभी के मैं राउट्स निकालूंगी। ओके, तो मुझे अभी राउट्स नहीं चाहिए, बाद में हम इसको यूज़ करेंगे, सिर्फ मुझे आपको दिखाना है अभी। तो अब हम जाएंगे यहाँ पे, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं लॉगिन में, जब जो मैं जाऊँ तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारे दो भी लॉगिन विद गूगल और लॉगिन विद फेसबुक और नॉर्मल लॉगिन आ गया। तो ऐसे आप बटन्स ऐड कर सकते हो कि लॉगिन का और फेसबुक का। यहाँ पे मैंने कलर दिया है बटन बटन डेंजर और प्राइमरी, आप कलर चेंज कर सकते हो, लॉगिन विद फेसबुक, लॉगिन विद गूगल। ओके, तो यहाँ तक हमारा हो गया। ओके, तो यहाँ पे आपको कुछ भी क्वेश्चन है अभी तक तो प्लीज़ कमेंट में कमेंट करो, आंसर करेंगे। ओके, तो इसके आगे का वीडियो हम बनाएंगे नेक्स्ट में, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, तो इसका आगे हम थर्ड पार्ट में देखेंगे। ओके, सो वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, क्योंकि वीडियो बनाने के लिए भी बहुत टाइम देना पड़ता है, ऐसे 1-2 मिनट में नहीं होता। ओके, तो हम बहुत मेहनत करके वीडियो बनाते हैं, तो प्लीज़ लाइक करो, शेयर करो, और हमारा 5K टारगेट जल्दी से जल्दी 5K फैमिली बना दो। ओके, सो थैंक यू सो मच एवरीवन, थैंक यू, कीप सपोर्टिंग।